कॉन्फिडेंस। लो कॉन्फिडेंस एक तरह का डर है और अपने ऊपर विश्वास की कमी। ये ज़्यादातर बचपन में ही पनपता है। इसकी कई वजह हो सकती हैं। कोई हमारी शारीरिक कमी या हमारा कोई माहौल, कोई टीचर या पेरेंट्स जो बार बार कमियों पे फोकस करता हो, तो धीरे धीरे हम अपने आप पे अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करते जाते हैं। कॉन्फिडेंस जब भी हम कोई काम करने जाते हैं तो बेसिकली हमारे अंदर दो तरह के विचार आते हैं। एक पॉजिटिव विचार जो हमें प्रेरित करता है उस काम को करने के लिए, और एक नेगेटिव विचार जिसे हम डर भी कह सकते हैं, कि एक डर हमेशा हमें लगता है कि ये काम हम अच्छी तरीके से कर पाएंगे या नहीं। इस डर का मुख्य कारण होता है हमारी पुरानी याददाश्त, हमारी पुरानी मेमोरी। जब भी इससे पहले कोई हमने काम किया था, अगर वो अच्छी तरीके से नहीं हुआ तो वो एक नेगेटिव मेमोरी की तरह हमारे दिमाग के अंदर बैठ जाता है, और जब हम उस नेक्स्ट टाइम उस काम को करने की कोशिश करते हैं तो अपने आप बार बार वो हमें वही थॉट्स बार बार आके हमें एक फियरफुल एटमॉस्फेयर पैदा करते हैं कि इस काम को करने में हो सकता है हम फिर से फेल हो जाएं। लेकिन यही लो सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करता है। इसी तरीके के डर जो बार बार हमें लगते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर काम के लिए, हमें फोबिया तक पहुंचा सकता है। हम बार बार उसी काम को डरते हुए करते हुए जो है हमें हमेशा एक डर बना रहता है और वो काम हम गलत कर जाते हैं। तो अब इस कॉन्फिडेंस को वापस गेन कैसे किया जाए? कोई भी काम को करने में डर पैदा होता है वो कहीं और से नहीं, हमारे अंदर ही पैदा होता है। डर कहीं नहीं है, हमारे अंदर ही है। हमारे पास 5 मुख्य इमोशंस हैं जो कि हर वक्त हमारे एमिग्डाला से पैदा होते रहते हैं। एमिग्डाला या लिम्बिक सिस्टम जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, और ये 5 इमोशंस हमें हर जगह हर सिचुएशन में पैदा करके उन सिचुएशन के प्रति प्रेरित करते हैं और बहुत गंभीर समस्याओं होने से हमें बचाते हैं। पहला हमारा इमोशन है हैप्पीनेस, सैडनेस, डिसगस्ट, फियर और एंगर। ये 5 इमोशंस अगर हम देखें तो इसमें केवल एक हैप्पीनेस या जॉय ही एक पॉजिटिव इमोशन है। इस तरह हमारे पास 4 नेगेटिव इमोशंस हैं और केवल एक ही पॉजिटिव इमोशन है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो हर चीज़ के लिए जो भी डिमांड करता है वो रो के करता है और चिल्ला के करता है। इसका मतलब है कि हम बचपन से ही हमारे पास नेगेटिव इमोशंस रहते हैं जिन्हें हमें पॉजिटिव इमोशंस में कन्वर्ट करना पड़ता है। हर काम के लिए इन 5 में से कोई इमोशन पैदा होता ही है। फिर ये इमोशंस हमारे फ्रंटल कॉर्टेक्स में जाके प्रोसेस होता है, और ये फ्रंटल कॉर्टेक्स ही डिसाइड करता है कि अब इस इमोशन के साथ क्या किया जाए। ये जो सिचुएशन जो हमारे एनवायरनमेंट में जो क्रिएट हुई है, अब इसके साथ कौन से इमोशन को प्रोसेस किया जाए। जब हमारे अंदर फियर, सैडनेस वाली इमोशंस आती हैं तो हमारा जो दिमाग का जो न्यूरॉन्स है वो और एक्टिव हो जाते हैं और उसको और ज़्यादा याद करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव इमोशंस हमें बहुत जल्दी याद हो जाते हैं और हमारे दिमाग से आसानी से नहीं निकलते, और धीरे धीरे ये एक लो कॉन्फिडेंस और लो सेल्फ इस्टीम और इवन फोबियाज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू हम कई सारे फियर अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, जैसे एग्ज़ाम फियर, स्टेज फियर, एनिमल फियर, स्ट्रेंज पीपल फियर। इस तरीके से हम एक्सपीरियंस और जो हमारे साथ घटनाएं घटती हैं उसके थ्रू हम सीख सीख के अपने अंदर फियर पैदा करते जाते हैं, जो कि हमें बाद में लो सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करता है। कोई भी काम जब हम करने जाते हैं जिसको हम पहले गलत तरीके से कर चुके होते हैं तो हमारे दिमाग में दिन भर रात भर वही नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, जिसकी वजह से जब हम वहाँ उस स्टेज पे पहुँचते हैं तो अपने आप हम अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं, और 1% जो हम अपना एफिशिएंसी दे सकते थे वो वहाँ पर हम उस एफिशिएंसी पे लो हो जाते हैं और हम वो परफॉर्मेंस ख़राब कर देते हैं। 3 टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं वापस कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए। कोई स्पेसिफिक कोई काम जिसको हम पहले पास्ट में अच्छी तरीके से नहीं कर पाएँ, अब उसको वापस अच्छी तरीके से हम करना है, और उसमें अगर हमें डर लगता है या हमें लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है या फोबिया है, तो इन चीज़ों से, इन 3 टेक्निक से हम उसे वापस गेन कर सकते हैं।
पहली टेक्निक है विच इज़ नोन एज ब्रेक द चेन ऑफ नेगेटिव थॉट्स। जो नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर विद द एक्सपीरियंस पैदा हो गए हैं, हमें उसे ब्रेक करना है। हमें अपने आप से कहना है कि जो नेगेटिवली जो चीज़ हुई है उसको हमें कैसे भी करके उसको वापस पॉजिटिव लाना है। उसके लिए विजुअलाइजेशन टेक्निक सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक रोल प्ले करती है, जिसके अंदर हम विजुअलाइज करते हैं उस सेम सिनेरियो को, सेम कंडीशन को, और उसे हम अच्छी तरीके से करते हुए बार बार अपने दिमाग को बताते हैं कि इस कंडीशन में डरने की ज़रूरत नहीं है और देखो कितनी अच्छी तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ। देन एक और नई टेक्निक आई है जिसे NLP टेक्निक कहते हैं। इसके अंदर जो है लेफ्ट थंब को बार बार हम प्रेस करते हैं वही थॉट सोचते हुए, जब हम वो चीज़ परफॉर्म करते हैं तो जो है हमारे न्यूरॉन्स के अंदर चेंजेस आते हैं और जो नेगेटिव थॉट्स जो हमारे क्रिएट हो गए हैं वो वापस रीगेन हो जाते हैं। इसलिए इस तरीके से हम वापस कॉन्फिडेंस और जो फियर हमने डेवलप किया है अपने कोई पर्टिकुलर काम करने की वजह से, करने के समय, उसको हम वापस रीगेन कर सकते हैं। तो इस तरह कॉन्फिडेंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कई बार हम जो है छोटी छोटी गलतियां करके खुद ही अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर लेते हैं। और अब जब भी कभी हम कोई भी काम करने जाएं तो अपने आप को टटोले कि जो है हमारे अंदर किस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं, क्या हमें थॉट्स नेगेटिव आ रहे हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे, और जो दोनों थॉट्स हमारे अंदर आ रहे हैं उसको बैलेंस करके हमें पॉजिटिव थॉट्स को ज़्यादा लाना है कि नहीं हम ये काम कर पाएंगे। तो सेल्फ जब हम अपने आप से ये कहेंगे, बार बार कहेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अगर हम उस काम को अच्छी तरीके से कर पाए तो अगली बार करने के लिए और हिम्मत और कॉन्फिडेंस अपने आप पैदा हो जाएगा।